गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं 6th चैप्टर पढ़ाऊंगी, द माइक्रोब। द माइक्रोब इज सो वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल, बट मेनी सैंगिन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हिज ज्वाइंटेड टंग डेट लाइज बेनीथ 100 क्यूरियस रोज ऑफ टीथ, हिज 7 टफ्टेड टेल्स विथ लॉट्स ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स, On each of which a pattern stands composed of 40 separate bands. His eyebrows of a tender green, all these have never yet been seen. But scientists who ought to know assure us that they must be so. Oh, let us never, never doubt what nobody is sure about. The microbe poem जो है हिलेरी ब्लॉक का लिखा हुआ है। माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म जीव और माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोब इतने छोटे होते हैं कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। द माइक्रोब इज सो वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल। माइक्रोब इतने छोटे होते हैं कि आप उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं देख सकते हैं। बट मेनी सैंग्यून पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, लेकिन बहुत से लोग इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखने की उम्मीद करते हैं। हिज ज्वाइंटेड टंग दैट लाइज बेनीथ 100 क्यूरियस रोज ऑफ टीथ, उनकी संयुक्त जीव जो दांतों की 100 उत्सुक पंक्तियों के नीचे मौजूद है, स्थित है। हिज 7 टफ्टेड टेल्स विथ लॉट्स ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स, उसके 7 गुच्छेदार पूंछ बहुत सारे गुलाबी और बैगनी रंग के धब्बों के साथ हैं, स्पॉट्स जो गोल गोल होते हैं। ऑन ईच ऑफ विच अ पैटर्न स्टैंड कंपोज्ड ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, जिनमें से प्रत्येक पर एक पैटर्न खड़ा है, पैटर्न बना हुआ है। 40 अलग अलग बैंडों से ये बना हुआ है। His eyebrows of a tender green, एक निविदा हरे रंग की उसकी भौंहें हैं। All these have never yet been seen, इन सभी को अभी तक कभी नहीं देखा गया है। But scientist, लेकिन वैज्ञानिकों को, who ought to know assured us that they must be so, लेकिन वैज्ञानिकों को जो ये जानना चाहते हैं कि हमें आश्वासन दे कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। ओह लेट अस नेवर नेवर डाउट व्हाट नोबडी इज श्योर अबाउट। ओह आइए हम कभी भी संदेह ना करें, कभी भी शक ना करें कि कोई भी निश्चित नहीं है। मतलब ये संदेह ना करें कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा जीव मतलब हो सकता है।